दिलदार नगर थाना क्षेत्र के अमौरा गांव के पास बुधवार को एक दुखद घटना सामने आई। गाजीपुर के लहुआर गांव निवासी एक शख्स पैदल ही कर्मनाशा नदी को पार करने के चक्कर में पानी में समा गया। अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। लहुआर गांव के निवासी अवधेश राय शास्त्री मंगलवार की दोपहर कर्मनाशा नदी पैदल पार कर रहे थे। पानी अधिक होने की वजह से वो डूब गए। रात में जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी में तलाश शुरू कर दी। अवधेश अपने घर से दिन में करीब 11 बजे अपनी बहन के घर बिहार जाने के लिए निकले थे। शाम को करीब 5 बजे अमौरा गांव के कर्मनाशा घाट पर पहुंचे तो पता चला कि एक सप्ताह से नाव नहीं चल रही है। इस पर कपड़ा निकालकर हाथ में ले लिया और पैदल ही नदी पार करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने अधिक पानी होने की बात कहते हुए पैदल नदी पार करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने। बीच नदी में पहुंचने पर पानी अधिक होने की वजह से डूबने लगे। जब तक उन्हें बचाने लोग जाते तब तक वो पानी में समा चुके थे। लोगों ने अवधेश के घर सूचना दी। गांव के लोगों के साथ पत्नी भी नदी पर पहुंच गई। लोगों ने अपने स्तर से नदी में तलाश भी शुरू कर दी। पता न चलने पर रात में करीब 8:30 बजे पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से उनकी तलाश शुरू करा दी। पत्नी ज्ञानमाला रो रोकर बेहाल हैं और ईश्वर से यही कामना कर रही हैं कि उनके पति सुरक्षित हों। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि पुलिस भी अभी तलाश कर रही है। हमने देखा कल उनको मना भी किया गया, वो बराड़ी जा रहे थे। उनको मना करने पर माने नहीं, बीच नदी में जाकर वो डूबने लगे। अच्छा। दो चार लड़के इधर से भी कूदे, दो चार लड़के बराड़ी साइड से भी कूदे, लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या यहाँ नाव नहीं चलती है क्या? कुछ कारण से यहाँ नाव नहीं चलती, पिछले दिनों चलती थी लेकिन विगत 5-6 दिनों से नाव यहाँ नहीं चल रही है। अच्छा। इसका अभाव हर समय रहता है, हर साल कोई ना कोई यहाँ इंस्पायर करता है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।